देवेंद्र आर्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे दोस्तों दर्शकों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। आप निरंतर कविताएं लिख रहे हैं, आपने गीत बहुत लिखे हैं, आजकल आप शायर हैं, गजलें लिख रहे हैं, और सुना है कि आपकी कविता पर एक किताब भी अभी हाल में आई है। तो मैं तो आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे मित्रों को, दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में अपने रचना यात्रा के बारे में बताइए। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने अपने से और अपने बहाने और मित्रों से बात करने का मौका मुझे दिया है। रचना यात्रा का जहाँ तक सवाल है तो मेरा ख्याल है कि 77-78 का दौर रहा होगा जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। और 82 तक आते आते वो पहला संग्रह खिलाफ जुल्म के आ गया। आपको याद होगा, सिलसिला सहकारी प्रकाशन हम लोगों ने शुरू किया था, आप गोरखपुर में थे उस समय। और उस सिलसिला सहकारी प्रकाशन से पहली किताब मेरी आई थी, गीतों का संग्रह, जनवादी गीतों का खिलाफ जुल्म के। 52 पृष्ठों की किताब थी, 3 रुपये उसके मूल्य थे और लगभग 34-35 गीत थे उसके अंदर। उसके बाद उसी सिलसिला सहकारी प्रकाशन से आपकी किताब यानी अरविंद तिवारी की किताब आई, कहानियों का संग्रह, और हम लोग के मित्र हैं मदन मोहन, उनका कहानी संग्रह आया। उसके बाद वो सिलसिला आगे चल नहीं पाया। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है और उसके बाद फिर गीतों के करीब 4 संग्रह आ चुके हैं, कविताओं के, छंदमुक्त कविताओं के 3 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, गजलों के 5 किताबें आ चुकी हैं, छठी प्रेस में है। इस बीच कुछ आलोचना और पे भी काम किया, गद्य की किताब एक आई गीत रसीदें नाम से। एक और किताब देवेंद्र कुमार बंगाली जी थे हम लोगों के बीच में, बहुत अच्छे गीतकार कवि, उन पर मैंने एक शोध पर काम किया और वो पुस्तक आई, आधुनिक हिंदी कविता के पहले दलित कवि देवेंद्र कुमार। तो इस तरह कुल 10-16 पुस्तकें हैं अब तक, बाकी लिखना पढ़ना चल ही रहा है। तो गजलों की भी कोई किताब आई है आपकी? गजलों की 5 संकलन आ चुके हैं, आखिरी संकलन भी बोधि प्रकाशन से आया था, जो पीवे नीर नैना का, और 6ठा संकलन उसकी पांडुलिपि प्रेस में है, उसका नाम है कीमत। कीमत ये कीमत तो पांच ये, हाँ किताबें तो जी हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। 5 किताबें तो छप चुकी हैं सब। पहला संग्रह आया था किताब के बाहर, ये 2004 में आई थी किताब, किताब महल से, किताब के बाहर। उसके बाद शिल्पायन से आई खाप खाप खामोशी, उसके बाद उमस नाम से एक संकलन आया, फिर मोती मानुष जून के नाम से आया, और आखिरी प्रकाशित संग्रह जो पीवे नीर नैना का। तो ये गजलों आपने शुरुआत गीतों से की, और शुरुआत आपने जनवादी गीतों से की,
फिर उसके बाद से आपने कविताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया जी, और अब गजलें लगातार आप लिख रहे हैं, हिंदी गजलें जी, और आपने देवेंद्र बंगाली के ऊपर संस्मरण भी लिखा है और एक आलोचना की भी किताब आपकी आई है अभी कविता पर। तो एक जनवादी गीतकार से आपका जो रूपांतरण ये जो धीरे धीरे होता जा रहा है, इसके पीछे आपका मतलब क्या, इस पर कहना चाहेंगे आप? अरविंद जी, शुरुआत तो हुई थी जनवादी गीतों से ही बेशक, क्योंकि वो दौर था ऐसा जब हम लोग लगातार गोष्ठियों से लेके सड़कों तक पर सक्रिय थे और सत्ता व्यवस्था के खिलाफ एक परिवर्तनकामी जज्बा, एक क्रांति कर देने का हौसला मजदूर किसान के के साथ जुड़कर संघर्ष करने की बात उसमें दिमाग में थी और उबलता हुआ खून। तो उसी दौरान वो इंदिरा जी की तानाशाही और जयप्रकाश जी का उसके खिलाफ संघर्ष करना, ये सारे सारा माहौल था, तो उसमें वो रचनाएं लगातार होती रहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकासमान नहीं है कवि या कोई भी रचनाकार, एक खास मनस्थिति में, एक खास विचारधारा में बंध के अगर रह जा रहा है, तो फिर वो रचनाएं दोहराती रहती हैं अपने आप को, नयापन उसमें नहीं रहेगा। तो लगातार स्थितियां बदलती हैं, लगातार मनस्थितियां बदलती हैं आपकी, लगातार आपकी पढ़ाई बदलती रहती है, सोच बदलती रहती है, तो उसका सबका असर आपकी रचनाओं पर ही पड़ता है। मुझे लगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसके बाहर भी कुछ दुनिया हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती हैं जो मैं समझ रहा हूँ, तो उस लिहाज से फिर मैंने अपने आप को संपादित करना शुरू किया, अपने शिल्प को एडिट करना शुरू किया, अपने विचार को विस्तार देना शुरू किया। तो जन्मादी गीतों से जो शुरुआत हुई थी, फिर वो नवगीतों की तरफ आई, फिर लगा कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है, इसमें पूरी बात नहीं आ रही है, तो कविताओं की तरफ मैं मुड़ा, कविताएं लिखनी शुरू की, कविताओं के संकलन आए। 2002 में ही मेरा कविता संकलन आ गया था, आग बीनती औरतें, किताब महल से ही। लेकिन उसके बाद 2000 के आसपास मुझे महसूस हुआ कि ये जो फॉर्मेट है हमारा गीतों का या कविताओं का, ये बना बधा सा कुछ है और मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ या जो और कह देना चाहिए मुझे, जैसे जिस सलीके से कहना चाहिए, तो गीत मुझे एक सीमा सी अपनी बनाने लगे मेरे लिए। कविताओं के लिए तो क्षेत्र पूरा खाली था, लेकिन गीतों का जो छंद का जो मामला था वो मुझे सीमित सीमित सा लगने लगा, चुपता हुआ सा लगा, और मैं फिर गजलों की तरफ आकृष्ट हुआ। कैसे वो पंक्ति जी, हाँ हाँ नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। आप कह दी जा रही है शेर के माध्यम से, कैसे सात शेर, नौ शेर जो हैं वो एक बड़ी रचना बन जा रहे हैं, जो मैं गीतों में नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अपनी जो एक कमी थी या अपनी जो सीमा तोड़ने की बात थी, उसने मुझको गीत गजलों की तरफ प्रेरित किया और मैंने फिर सीखना शुरू किया गजल के शिल्प को। ये बताइए कि आपको जनगीतों की वजह से व्यापकता बहुत मिली, चर्चा आपकी बहुत हुई,
और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो सांस्कृतिक आंदोलन उन दिनों चल रहे थे उसमें आपके गीत जरूर गाए जाते थे जी। तो आपको नहीं लगता कि कविता से वो विस्तार आपका कुछ सीमित हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से गीतों ने मुझको शुरू में एक बहुत व्यापक पहचान दी थी और नुक्कड़ों में या बाकी जगहों पे मेरे गीत जो हैं वो गाए जाते थे, साथी गाते थे। लेकिन मैंने बताया ना कि वो जो एक वो सारा मामला एक स्टीरियोटाइप का लगने लगा, हम बदल देंगे, क्रांति हो जाएगी, ये हो जाएगा मजदूर किसान, ये जीत, और अब होने ही जा रहा है सब कुछ, सारा क्रांति पकी हुई है, तैयार है। तो ये जो पूरी मनस्थितियां थी और उसी के दबाव में या उसी के प्रभाव में जो गीत लिखे जा रहे थे, जीत के गीत, जो सर्वहारा के जीत के गीत होते थे, जो उनके संघर्ष के गीत होते थे, तो वो लिखते थे। लेकिन फिर लगने लगा ना कि हम जो सोच रहे हैं या जो लिख रहे हैं ठीक ठीक वैसा ही तो हो नहीं रहा, बहुत कुछ हम जो कह रहे हैं बहुत कुछ ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन कवियों के साथ एक जो बात जरूरी जुड़ी होती है कि उनकी रचनाएं मास तक पहुंचे, मतलब जिनके लिए लिखी जा रही हैं कविताएं, जिनके लिए गजलें लिखी जा रही हैं, वो उन तक पहुंचे, क्या ये कवि की इच्छा नहीं होती? बेशक बेशक होती है, और उसी इच्छा के तहत या उसी रचनात्मक दबाव कह लीजिए, जो नैतिक दबाव था एक रचनाकार का, उसी के तहत हम लोग नुक्कड़ों पे जाते थे। बाद में कुछ मंचों की तरफ भी इसी दबाव में जाने लगे कि रचनाएं पहुंचे हमारी, और मतलब हिंदुस्तान के जितने नामी गिरामी आप गीतकार सोच सकते हैं, सबके साथ मैंने मंचों पे काव्य पाठ किया है। लेकिन मैंने बताया ना कि एक तरफ वो स्थितियां स्टैग्नेशन की तरफ थी जहां हम जनवादी गीत लेके जा रहे थे, वहां से मेरा मैं असंतुष्ट हुआ। दूसरी तरफ मंच थे जिन मंचों पे मैं जाता था, वहां से मैं असंतुष्ट हुआ क्योंकि वहां भड़ैतियां शुरू हो गई, वहां पूरा व्यवसाय हो गया। तो जनता से जुड़ने के ये जो तरीके थे वो धीरे धीरे सीमित होते गए, कटते गए। तो अब जनता से जुड़ने के नाम पे हम क्या कर सकते थे? उसी मंच से तो हम समझौता कर नहीं सकते थे जिसपे व्यापार हो रहा है, चुटकुलेबाजी हो रही है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार अपने जमाने के बड़े गजलकार रहे हैं और जी आज भी उनकी जो गजलें हैं, जो उनके जो शेर हैं, वो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, यानी कि वो जनता तक पहुंची हैं। और मैं तो देखता हूं कि अक्सर चाहे वो फिल्म का आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, वो उनके शेर को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में पढ़ता जरूर है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुष्यंत कुमार की रीच काफी दूर तक थी और अभी भी बनी हुई है। बेशक। तो थोड़ा आपको लगता नहीं कि कविताएं जो मतलब जो लिखी जा रही हैं या जो आपने लिखी है, जो और लोग लिख रहे हैं, वो मतलब लोगों के एक्चुअल दुख दर्द से जुड़ी ना होने की वजह से जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसी किसी भी रचनाकार का या किसी रचना का जनता तक पहुंचना ये कई चीजों पर निर्भर करता है।
जैसे पहले हम पहुंचते थे नुक्कड़ सड़कों पे उतर के, जनवादी गोष्ठियां करके, एक माध्यम वो बना, इसके बाद फिर मंच का माध्यम बना। दुष्यंत के सिलसिले में अगर हम बात करें तो वो जो समय था दुष्यंत का, और जो उनके उनकी रचनाएं जो प्रकाशित हो रही थी सारिका में या धर्मयुग में, तो उस समय का जो पत्रिकाओं की जो रीच थी, दुष्यंत कहीं नुक्कड़ गोष्ठियों में या सड़कों पे जाके गजलें नहीं पढ़ रहे थे, उनकी गजलें पत्रिकाओं में आ रही थी और उन पत्रिकाओं की पहुंच घर घर की थी। आप याद करेंगे वो समय जब सारिका या धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं हर घर में मध्यम वर्गीय परिवार में थोड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाती थी और उसमें वो उनकी गजलें छपती थी और माहौल ऐसा था कि वो गजलें जो हैं वो लोगों के दिमाग को पकड़ती थी। तो इस तरह से वो और जो उसमें सत्ता व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था उसमें उन गजलों ने अपनी भूमिका अदा की, उन गजलों ने उनके संघर्ष को आवाज दी। तो इस लिहाज से वो गजलें चर्चित हुई। आप देखेंगे कि बहुत सारे अनाड़ी किस्म के लोग जो उनकी गजलों को पूरी ढंग से कोट भी नहीं कर पाते लेकिन कंटेंट के माध्यम से उसको कोट करते हैं, तो उनकी जो बात थी वो जो लोगों तक गई। अब ऐसा कुछ है नहीं। अब आप देखिए कि सारी जो बड़ी पत्रिकाएं थी उस तरह की पत्रिकाएं वो तो खत्म हो चुकी हैं। छोटी छोटी पत्रिकाएं उसके पहले लिखी थी लघु पत्रिकाएं, उनका भी दौर लगभग लगभग खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के कविता विरोधी माहौल या कविता शून्यता वाला माहौल जो है वो इस समय जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार कम हो रहा है। इसीलिए आप एक सुलझे हुए कवि हैं, आपके अपनी विचारधारा है और बट नेचुरल है, आप जनता के लिए लिखते हैं, जनता से जुड़े हुए थे, आज भी जनता से जुड़े हुए हैं आप किसी न किसी रूप में। 2000 के बाद से ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि आंदोलनों का जो पहले एक तूफान सा, एक रेला सा उठा था, वो धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन स्थितियां तो काफी विकट हुई हैं। और जब स्थितियां विकट होती हैं तो प्रेमचंद ने भी कहा है कि उस स्थिति में फिर रचनाकार जो है वो समाज के लिए मशाल का काम करता है। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? नहीं, बेशक रचनाकार आगे आता है और आगे आ भी रहा है। आप देखिए, जितनी राजनीतिक पहल होनी चाहिए उस तरह की पहल आज के दौर में है नहीं। उस सारे राजनीतिक गैप को रचनाकार फिलअप कर रहे हैं। कविताएं, कहानियां, ये रिपोर्टाज, ये जो जनता के बीच में आ रही हैं और अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन पे कोई रुकावट रहने गई है। पहले तो ये था कि भाई पत्रिकाओं में छपेंगी कि नहीं छपेंगी, कौन छापेगा नहीं छापेगा, अब तो सोशल मीडिया में आप फ्री हो गए हैं एक तरह से। तो आप देखें कि इस दौर में जब राजनीतिक पहलकदमी बहुत कम हो गई है, लगभग लगभग शून्य है, उस दौर में भी जनता के बीच के संघर्ष को, जनता की आवाज को साहित्य ही और खासतौर से कविता ही प्लेटफॉर्म पे ले आ रही है सोशल माध्यम से। तो कविताएं तो लिखी जा रही हैं, जबरदस्त लिखी जा रही हैं। एक हमारे लेकिन ये कविता इनको एक एनालाइज करने के लिए जी, एक हमारे मित्र हैं और वो कवि भी हैं जी, उनका एक सवाल है कि आप जो कविताएं लिख रहे हैं या जो गजलें आप लिख रहे हैं, इनका मेन मोटिव, इनका मेन उद्देश्य क्या है? जो गजलें लिखी जा रही हैं उनका उद्देश्य क्या है?
हाँ मतलब कविताएं, कविताएं जो आप लिख रहे हैं, आपने कविताएं भी लिखी हैं और जिंदगी के विभिन्न रंगों पर कविताएं लिखी हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? मतलब फेसबुक तो एक माध्यम हो सकता है लेकिन फेसबुक उद्देश्य नहीं हो सकता ना, हाँ, एक साधन है वो, प्लेटफॉर्म हो, साधन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है बेशक। तो आपका उद्देश्य क्या है? मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से आप चले थे और आज के उद्देश्य में क्या कुछ फर्क आपके आया है? नहीं, वो उद्देश्य में तो कोई फर्क नहीं है। हम चले थे जो जो भावना लेके, जो मंशा लेके, जो सपने लेके, आज भी वही भाव है, आज भी वही सपने हैं, आज भी वही उद्देश्य है। हम अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता के बीच में साझेदारी करना चाहते हैं, उनके संघर्ष से जुड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। और अगर कहीं कोई संघर्ष हो रहा है तो शारीरिक रूप से जहां तक संभव है वहां, और नहीं शारीरिक रूप से क्योंकि अब शरीर धीरे धीरे वो स्थिति रहने गई है, तो उस लिहाज से भी अगर भौतिक रूप से हम उतना सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं तो वैचारिक रूप से तो सक्रिय होकर उनकी जो दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं। देश एकदम नहीं बदला है अरविंद जी, देश वही है जो पहले थे। जनता के बीच में रचनाओं के माध्यम से जाना, उनके दर्द दुख दर्द को उजागर करना, और अगर कोई पुथी बन रही है जिसमें जिसको हम कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से सुलझा के उनके सामने पेश कर सकते हैं, उनको एक सपना दिखा सकते हैं, उनको एक आईना दिखा सकते हैं, तो वो करना। बस ये उद्देश्य पहले भी था, आज भी। मुझे याद है आप दिल्ली में थे और उसी दिन जेएनयू में किसी एक खास ग्रुप ने वहां पर एक खास दूसरे ग्रुप के ऊपर जो कि लेफ्ट का ग्रुप था उस पर उन्होंने हमला किया, अध्यक्ष को मारा और आप लाइव मतलब थे अपने मोबाइल से। और तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगा अंदर से बात नहीं आई कि अगर इस समय आपके गीतों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद कारगर स्थिति और बन सकती थी, और आपके लिए भी और लोगों के लिए भी? हाँ बेशक बेशक, मैं गया तो था वो उस समय दिल्ली पुस्तक मेले के लिए गया था मैं, लेकिन उसी समय ये माहौल बन रहा था और लगभग 10 बजे रात में मुझे टेलीफोन पे सूचना मिली कि ITO के पास इस तरह से हो गया और लोग जम रहे हैं, जमा हो रहे हैं विरोध करने के लिए। और मैं एक तरह से परदेश में था के कमरे में, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि अगर मैं इस समय उनके साथ नहीं खड़ा होता हूँ तो रचनाएं मेरी बेकार, क्या करना। तो मैं चला गया और रात में 3-4 घंटे में रहा, 3-4 घंटे रात में आया। अब मेरी रचनाएं वहां भी उपस्थित होती, लोगों के माध्यम से, तो शायद और माहौल बनता, अच्छा होता। लेकिन नहीं था तो मैं तो शरीर से था ही। आपने उस घटना के बाद से और उसके बाद से जो एक आंदोलन चल रहा था दिल्ली में लगातार महिलाओं और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के आंदोलन चल रहे थे नागरिकता के सवाल को लेकर के, उस पर आपने कोई रचना लिखी है ताजा तरीन? इधर जितनी रचनाएं हुई सब वो लगभग लगभग उसी दौर की रचनाएं हैं, और कविता के माध्यम से, मैंने छंदमुक्त कविता के माध्यम से, कहीं गीत के माध्यम से, कहीं शेर के माध्यम से वो रचनाएं सामने आती रही हैं। और मतलब मुझे संतोष होता है कि मैं अपनी कलम के माध्यम से उनके साथ शामिल हो पा रहा हूँ, उनकी आवाज बन पा रहा हूँ, उनको आवाज दे पा रहा हूँ। तो हुई है रचनाएं, हुई बहुत सी। संकलन जो आया है मेरा अभी नया वाला, ये इसी पुस्तक मेले में ही आया, मैं लिखता तो ऐसे लिखता, तो उसकी तमाम सारी कविताएं उसी दौर की हैं। पिछले साल 1.5 साल का जो माहौल, 2 साल का माहौल चल रहा है,
उसी माहौल की वो कविताएं हैं। तो एक तो प्रोग्राम के आखिर में आपसे हम नई कविता या जो भी आपने लिखा नई कविता या नई गजल जो इस आंदोलन को व्यक्त कर रहा करता हो उस पर वो सुनेंगे। उससे पहले एक सवाल और है जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि आजकल कविताएं तो खूब लिखी जा रही हैं, फेसबुक के माध्यम से कविताएं लिखी जा रही हैं, तो कुल मिलाकर के हिंदी कविता की स्थिति इससे सुधर रही है या इससे बिगड़ रही है? नहीं पार्टनर, मैं तो कहूंगा कि कविता ने शिल्प को लेके अपने आप को सीमित कर दिया है। यानी आप ये समझिए कि कविता का मतलब ये हुआ कि उसमें छंद उसके बाहर जो है वो कविता है, ये माना गया है। कविता की परिभाषा ये हो गई है। मतलब अगर आप गीत के फॉर्म में लिख रहे हैं वो बातें कह रहे हैं या गजल के फॉर्म में वो बातें कह रहे हैं तो वो कविता के क्षेत्र के बाहर की चीजें हैं, उसे कविता में शुमार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपने एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति का जो क्षेत्र था, बहुत बड़े रचनाकारों का जो एक ग्रुप है उससे आपने कविता को काट दिया। सोशल मीडिया में जरूर है कि वो चीजें साइड बाय साइड आ रही हैं, गजलें आ रही हैं, गीत आ रहे हैं, छंद की कविताएं भी आ रही हैं और कविताएं भी आ रही हैं, छंदमुक्त कविताएं भी आ रही हैं। लेकिन बेहतर ये हो रहा होता कि हिंदी आलोचना ने कविता के परिसर को छोटा न किया होता, सीमित न किया होता। कविता के परिसर में गीतों को और गजलों को भी शामिल किया होता। कविता की नागरिकता में से गजलकारों और गीतकारों को बहिष्कृत न किया गया होता तो ज्यादा बेहतर रहा होता और शायद आज जो जनता से कविता कटी कटी सी लग रही है आपको, आपको महसूस होता होगा कि कविता का मतलब जनता से कविता का मतलब मंच हो गए हैं, मंच से जो गाया जाता है, मंच से जो सुनाया जाता है वही कविताएं व्यापक रूप से जनता के बीच में जा रही हैं। आपकी कविताएं जनता के बीच में व्यापक नहीं जा पा रही हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मंचीय कवि काफी लोग चर्चित हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि वो अपने दर्शकों को दे क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कविता में अगर छंद हो या कविता अगर लोकप्रिय हो गई है कभी सम्मेलनों में जा करके वो एक अच्छी कविता हो सकती है। अच्छी कविता में बट नेचुरल है अपना एक कंटेंट का भी एक छंद होता है, कंटेंट की भी एक कला होती है, बहुत ज्यादा असरदार होती है, वरना गले का और लटके झटका का जो इस्तेमाल कविताओं में या गजलों में हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। मैं अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल महिलाएं बहुत सारी कविताएं लिख रही हैं और मैं ये देख रहा हूं कि उसमें दो तो मुख्य रूप से दो तरह का विभाजन है, एक तो घोर महिलावादी दृष्टिकोण से कविताएं लिखी जा रही हैं और एक जो है वो घरेलू कविताएं लिखी है, घरेलू मतलब घर के चारदीवारी को बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं तोड़ पा रही हैं और वो उस दायरे की कविताएं लिख रही, लेकिन बीच में कुछ अच्छे कवित्रियां पैदा हुई जैसे कात्यायनी हुई और अनामिका ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं और कुछ नए कवित्रियों ने भी अच्छी कविताएं लिखी। आप पर इसकी क्या राय है, क्या आने वाला समय महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी पुरुषों से? इस तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि पुरुष आगे बढ़ जाएंगे या महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी। महिलाएं स्त्रियां
बौद्धिक हुई हैं और कलम उन्होंने पकड़ी है, अपनी बात रख रही हैं, और जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत घरेलू किस्म से कविताएं लिख रही हैं, वो घरेलू परिस्थितियों का वर्णन करके भी वो जो दिखाना चाह रही हैं, वो संघर्ष की बातें दिखाना चाह रही हैं, मानसिक संघर्ष की बात दिखाना चाह रही हैं, राजनीतिक संघर्ष की बात दिखाना चाह रही हैं। तो अब वो उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और बहुत एक लंबी कतार है, कई पीढ़ियों की महिलाओं की लंबी कतार है कविता के क्षेत्र में, और लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, सार्थक लिख रही हैं, और हर तरह के शिल्प में लिख रही हैं, न सिर्फ कविता के शिल्प में बल्कि गीत के शिल्प में भी और गजल के शिल्प में भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो आगे बढ़े तो मुझे खुशी होगी कि हमसे अभी आगे लिख रही हैं। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा। अभी मैं एक पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी थी, और फिल्म का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें एक गीत था, वो भी पूरी तरह से ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसकी एक दो लाइन मुझे याद है। कहाँ तक लग जाई थक से, और ये बड़ा लोकप्रिय है, और ये किसी आर्टिकल 15 या ऐसा कोई नाम था फिल्म का। हाँ, और ये मैंने जब पता लगाया तो पता लगा कि ये गांव में काम करने वाले संगठनों द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो मेरा मानना है कि गीतों की तो अभी भी जरूरत है। आप प्रवासी मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं, क्या उनके दर्द दुख दर्द और ये सारी चीजें गीतों में व्यक्त हो जाएंगी तो एक माहौल अच्छा तो बन सकता है ना। चलिए हम बात को खत्म करेंगे। आपकी दो कविताएं मैं सुनना चाहता हूँ, छोटी छोटी सुनाइए, एक कविता या एक गजल, आपको जो पसंद हो। एक तो मैं कविता सुना दूं आपको, और उसके बाद दो चार शेर सुन लीजिएगा। कहो आर्या आपकी बारी, कहो आर्या आपकी बारी, कभी हारा या कविता हारी। कहो आर्या आपकी बारी, कभी हारा या कविता हारी। खेल तमाशा अनुदित भाषा, कविता शैशव में ही रह गई, कवि जी का लग गया पचासा। जो चाहे जो भाव निकाले, कविता है या दुनियादारी। जो चाहे जो भाव निकाले, कविता है या दुनियादारी। हो आर्या अब की बारी, कवि जीता या कविता हारी। माला माइक मंच गए तो इसे सुनाएं कहाँ छपाएं। माला माइक मंच गए तो किसे सुनाएं कहाँ छपाएं, यार चलो लाइव हो जाएं। गम को थोड़ा रैलिश कर लें और मौत का जश्न मनाएं। कभी तो बच गए लेकिन लग गई कविता को कवि की बीमारी। अभी तो बच गए लेकिन लग गई कविता को कवि की बीमारी। बहु आर्या आपकी बारी, तब की वो था अब की तुम हो, मेरी कब आएगी बारी। तब की वो था अब की तुम हो, मेरी कब आएगी बारी। दूसर हुई सियासत तक तक, कविता लेकिन रही चकाचक। दूसर हुई सियासत तक तक, कविता लेकिन रही चकाचक। ऐसा भी होता है क्या तक, ऐसा भी होता है क्या तक। कविता ऐंठ के बोली कवि जी, पहले चुपता करो उधारी।
कविता ऐंठ के बोली कवि जी पहले चुकता करो उधारी, कितने की पुड़िया बंधवाऊं, कितने की पुड़िया बंधवाऊं, पूछे आलोचक पंकारी, भैया 6 फीट पूरी से आओ लेकिन पारा पारी। अरे आर्या अब की बारी, कवि के सर पर धरी रह गई जीत की सामूहिक तैयारी। अरे आर्या अब की बारी, कवि के सर पर धरी रह गई जीत की सामूहिक तैयारी। संसद से यारी का सीधा मतलब सड़कों से गद्दारी, संसद से यारी का सीधा मतलब सड़कों से गद्दारी, ऐसे में कविता बेचारी तुमसे बेहतर कौन आर्या समझेगा कवि की लाचारी, तुमसे बेहतर कौन आर्या समझेगा कवि की लाचारी। शेर सुन लीजिए आपके। हाँ केसर गल कालीन दलाल, केसर गल कालीन दलाल, कैसा है कश्मीर का हाल। केसर डल कालीन दलाल, ऐसा है कश्मीर का हाल। देशभक्ति जी का जंजाल, देश विरोधी माला माल, देश विरोधी माला माल, घेरा में पड़ गए कबीर, घेरा में पड़ गए कबीर, फिर उपजा है पूत कमाल, ऐसा है कश्मीर का हाल। आओ आओ मिलकर यज्ञ करें, आओ मिलकर यज्ञ करें, नौकरियों का पड़ा काल, आओ मिलकर यज्ञ करें, नौकरियों का पड़ा काल, खेत बेच कर ले आए, खेत बेच कर ले आए, चुद्दी चुन्नी और पुआल, खेत बेच कर ले आए, चुद्दी चुन्नी और पुआल, हम भी हो जाते शाहीन, हम भी हो जाते शाहीन, बच गए भैया बालमबाल, हम भी हो जाते शाहीन, बच गए भैया बालमबाल, दूध उबाले हैं सबने, दूध उबाले हैं सबने, तू ऐसा कर दही उबाल, दूध उबाले हैं सबने, तू ऐसा कर दही उबाल, केसर दल कालीन दलाल, ऐसा है कश्मीर। बहुत अच्छा। एक हमारे मित्र हैं, वो भी कवि हैं और उनका ये कहना है कि कविताएं जनता के पास नहीं पहुंच पा रही हैं। आम जनता की तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी कविताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कविता को पढ़ना और समझना, और कविता शायद मेरे ख्याल से जिंदगी से धीरे धीरे बाहर भी हो रही है, इसलिए भी एक समस्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जिन संगठनों को और जिन संस्थाओं को कविताओं को लोगों के बीच ले जाना चाहिए, वो भी अपना दायित्व तो ठीक से नहीं निभा रहे हैं, वे भी एक तरह से विफल ही हो रहे हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं। देखिए, ऐसा है कि हम जिस देवेंद्र कुमार आर्य को जानते हैं, उनके गीत आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, अगल बगल खेतों से मिट्टी काटी जाएगी हैं, और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, भारत माता की जय बोल। देखिए, आप
खूब कविताएं लिख रहे हैं, खूब गजलें लिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके ये गीत लोगों द्वारा जरूर गाए जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत यहाँ खत्म करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया बातचीत करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।